श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय दसमो। सुतजी कहवा लाग्या। दुर्वासाए केटलोक समय विचार में गाड़ा पछी कहू, जे कोई ने कहवाय नहीं तेवो व्रत तारा हितने माटे हूँ कहूँ छू। हवे जे पुरुषोत्तम मास आवे तेनो तू व्रत करजे। तेना जेवो कार्तक्य बीजो कोई महीनो नथी। हे पुत्री, 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करवाथी जे फल मळे तेज फल पुरुषोत्तम मास में कोईपण स्थले नहावाथी मळे छे। पुरुषोत्तम मास भगवान ने गणो वहालो छे, तेनाथी कामना पूरी थाय छे। आ मासना व्रत प्रभावथी अंबरीश ने मारवा मैं ज्यारे कृत्या शक्ति मोकली हती त्यारे विष्णुए मारो नाश करवा सुदर्शन चक्र मोकल्यु हतु, पण ते पाछू पड्यु हतु माटे तेउ ते व्रत करजे। पण जेनु नसीब फरी बेठू होय तेने साचो गळे उतरतु नथी, तेम ए बाळाने पण दुर्वासाना शब्दों योग्य लाग्या नहीं। तेने कह्यू, मने तमारी वात गळे उतरती नथी। शू कार्तक के वैशाख जेवा महीनानो सेवन करवाथी लाभ न थाय? तमे कहेलो मास मेलो सूर्य संक्रांति रहित छे, वाड़ी विष्णु अने शंकर जेवा शू मनोकामना पूरी न करी शके? हे महामुनि, तमे शा माटे ए मलमास ने वखाणो छो? मेघावीनी पुत्रीना शब्दों सांभळी दुर्वासा पड़ माटे क्रोधे भराया, पण पछी शांत थई बोल्या, तू मारा मित्रनी पुत्री होवाथी तारी पर गुस्से थतो नथी, परंतु तारे पुरुषोत्तम मासनी निंदानो फल भोगवू पड़शे। कही दुर्वासा तो त्यांथी चाल्या गया अने ते मेघावीनी पुत्री मनोकामना पूरी करवा भगवान शंकरनो तर करवा आश्रम छोड़ी चाली। इति श्री प्रणादीय पुराणमां कुमारीनी शिव आराधना उद्योग नामनो दसमो अध्याय संपूर्ण।